हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावलनर। पे केमी अच आशा करे समस्ते निश्चित रूप भल पे। आज आम तुम विज्ञान बहर परमाणु गठन किसी इम्पोर्टाट प्रश्न को आलोचना करवा जहाँकि तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट टू ता सहित समेटिव असेसमेंट वन। ओके, ये समस्त परीक्षापाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। पे मन रख तुम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टू जहाँकि तुम नवेम्बर मसर प्रथम सप्ताह होगा जाऊँगी। यहाँ पर जो समेटिव असेसमेंट वन कथ जो कहगला समेटिव असेसमेंट वन को पे टर्म वन कहुए आपको आम अर्धवार्षिक परीक्षा बोलीपर। तो यही परीक्षाटा मीनस समेटिव असेसमेंट वन परीक्षाटी जहाँ को आम अर्धवार्षिक परीक्षा बोली कहे ता तुम नवेम्बर मसर तृतीय सप्ताह हम अर्थात पे देख फॉर्मेटिव असेसमेंट टू प्रथम सप्ताह मध्य सर एवं समेटिव असेसमेंट वन तृतीय सप्ताह हम। तो यही जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टू आउ समेटिव असेसमेंट वन मध्य के टाइम फरक अच्छी पार्थक्य अच्छी पखापाखि दस दिन रु बार दिन रहा फरक अच्छी बुझिपार पे। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने आम चैनल पर न्यू व्यूअर होती से मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिव्य पिले सहित बेल आइकन को दबाव को भूलना नहीं सहित अल् नोटिफिकेशन क्लिक कर पे अल् नोटिफिकेशन क्लिक कले कौन हम ना आगामी समय जो भी किसी वीडियो अपलोड हम यह नोटिफिकेशन तुम मानक जो चैनल माने जो यूट्यूब आप अच्छे से आप नोटिफिकेशन बारे आसीज। ओके पे मैंने तो मन रख यहाँ हूँ पार्ट थ्री अटे। यह पूर्व अलरेडी दुईट पार्ट अपलोड हो सारी जो मैंने से दुईट पार्ट को देखिन से आम चैनल प्लेलीस्ट को भिजिट कर सेठे फॉर्मेटिव असेसमेंट टू क्लास नाइन्थ नामक थी अर्थात आप यूट्यूब रे जस्ट शार्प लर्नर बोली सर्च करेंगे बुझीपार ना शार्प लर्नर एस एच ए आर पी शार्प एल ई ए आर एन ई आर तो शार्प लर्नर बोले जो सर्च करेंगे तो देखते यही प्रकार गोटे लोगो आसपर आप क्लिक करेंगे क्लिक करके जो होम बटन आगे थी जो होम पेज थी से होम पेज तलू आदि स्क्रोल करेंगे बोले से फॉर्मेटिव मानने नवम श्रेणी फॉर्मेटिव असेसमेंट टू तो सहीटा जब आप जी बोले यार जो पार्ट वन पार्ट टू या सहित फॉर्मेटिव असेसमेंट टू जो भी किसी गुरुत्वपूर्ण वीडियो अच्छी जो भी सब्जेक्ट को लेकर आपको सेठे सबकि अवेलेबल हो पार। ओके पे तो आम प्लेलीस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट वन जो जो रिक्वायरमेंट वीडियो फॉर्मेटिव असेसमेंट टू जो जो रिक्वायरमेंट वीडियो सहित समेटिव असेसमेंट वन जो भी रिक्वायरमेंट वीडियो ये समस्त वीडियो अलग अलग भाव में एकदम सटिंग अच्छी तो आपंकर प्रिपेरेसन में कौन असुविधा हम ना। ओके पे तो चल स्टार्ट करवा। तो पे आम प्रीवियस पार्ट रे अप टू 15 नंबर क्वेश्चन पर आलोचना करते आज आम 16 नंबर क्वेश्चन रु देखा पे कहल पोटासीयम तीनोटी आइसोटोप वस्तु संख्या यथाक्रमे कौन कौन। ओके तो पोटासीयम तीन टा जो आइसोटोप अच्छी तार वस्तु संख्या केते ऑप्शन ए 39 40 42 ऑप्शन बी 39 40 41 ऑप्शन सी 39 40 42 ऑप्शन डी 39 40 43। तो पे आ भितर कोड़ा राइट हम चिंता कल टिके पोटासीयम तीनो आइसोटोप वस्तु संख्या कोड़ा हम भाव टिके शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पिला माने यही प्रश्नर सठिक आंसर हम ऑप्शन बी 39 40 एवं 41। तो मन रख पोटासीयम तीनो आइसोटोप वस्तु संख्या अच्छी जहाँ को मैंने जो गुड़ी हूँ 39 40 आउ 41। नेक्स्ट प्रश्न कहिलो पिले गोटे मौलिकर दुईटी परमाणु रे कहार संख्या निश्चित भाव सामान रहा। ओके तो गोटे मौलिकर जो दुईटा परमाणु अच्छी तो से मैंने कौ संख्याटा निश्चित रूप सामान वस्तु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या न्यूटन संख्या ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या तो पे आ भितर कौटा निश्चित रूप सामान र
कौटा रही पे राइट आंसर आसव ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या समान रहा। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि रोगर चिकित्सा डेस आइसोटोप द्वारा करा जाए पे जो बेकर जो थायराइड ग्रंथि जो रोग होता है क्यों आइसोटोप द्वारा ट्रीटमेंट करा हो आयोडीन ना यूरेनियम ना पोटासियम ना कोबाल्ट तो कहा द्वारा पिला माने थायराइड ग्रंथि रोगर चिकित्सा करा जाए क्यों आइसोटोप द्वारा पिला माने यार राइट आंसर आसव ऑप्शन ए आयोडीन द्वारा। नेक्स्ट कहिलो पिले कोबाल्ट रो एक आइसोटोप कौन पे व्यवहार करा जाए कोबाल्ट गोटे आइसोटोप को कौन पे व्यवहार करा हुची कृषि क्षेत्र रे ना कैंसर चिकित्सा पाई ना ट्यूमर चिकित्सा पाई ना शक्ति उत्पादन पाई तो कोबाल्ट रो एक आइसोटोप को कौन पे व्यवहार करा जाए कोबाल्ट रो आइसोटोप को कोड़ा हाँ पिला माने राइट आंसर पिला माने जो माने जानिछ जे आइसोटोप कहा को कहा जाए कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो देखिबा आइसोटोप रो डेफिनेशन कहा को जणा आछि आइसोटोप आ गो होछि आइसोबार नै कि तो आइसोटोप कहा को कहा जाए आ आइसोबार कहा को कहा जाए कमेंट बॉक्स रे समस्त कमेंट करो। तो कोबाल्ट रे आइसोटोप को कोन पे व्यवहार कर जाय पिला माने मन रख कोबाल्ट रे आइसोटोप को कैंसर चिकित्सा पाई व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट अच्छा कहार आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर रे जालनी भाव व्यवहार करा जाए ओके तो कहार आइसोटोप को जो न्यूक्लियर रिएक्टर रही था से ही न्यूक्लियर रिएक्टर रे जालनी भाव व्यवहार करा यूरेनियम ना कोबाल्ट ना आयोडीन ना कार्बन तबे पिला माने एमानक भितरु केउ आइसोटोप रो केउ आइसोटोप को न्यूक्लियर रिएक्टर रे व्यवहार करा जाउछि जालनी रूपे कोड हबो पिल राइट आंसर पिल माने राइट आंसर आसीबो ऑप्शन ए यूरेनियम रो ओके पिल माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा कहिलो पिले डेसंकु न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञान रो जनक बोली कह जाय तबे पिल माने आ भितर कहा को न्यूक्लियर पदार्थ रो माने न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञान रो जनक बोली कह जाय बोर को ना बोरी ना टॉमसन ना रदरफोर्ड कहा को पिला माने कह जाय कहा को न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञान रो जनक बोली कह जाय ऑप्शन ए बोर ना ऑप्शन बी बोरी ना ऑप्शन सी टॉमसन ना ऑप्शन डी रदरफोर्ड कोडा हबो पिला माने राइट आंसर पिला माने राइट आंसर आसीबो ऑप्शन डी रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड को पिले माने न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञान रो जनक बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा कहले पिले क्यों प्रसिद्ध वैज्ञानिकों सात जन सहयोगी गवेषक नोबेल पुरस्कार पाई ओके तो क्यों प्रसिद्ध वैज्ञानिकों जो सात जन सहयोगी थे समस्त गोटे नोबेल पुरस्कार पाई टॉमसन कर ना रदरफोर्ड ना बोर ना डाल्टन क्यों वैज्ञानिकों सहयोगी माने जो मान संख्या हूँ सात समस्त नोबेल पुरस्कार पाई कौटा पे राइट आंसर पिला माने राइट आंसर आसव ऑप्शन ए टॉमसन कौन आसव टॉमसन आसव। नेक्स्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर यथाक्रमे क्यों संकेत व्यवहार करा जाए ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर पिला माने क्यों संकेत व्यवहार करा जाए बहुत सरल प्रश्न अटे देखिबा किए प्रति उत्तर दे पाउछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पिला माने प्रोटॉन होची पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होची नेगेटिव चार्ज तेणु प्रोटॉन को लिखा हे पी प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हे ई माइनस तेणु राइट आंसर आसो पिला माने ऑप्शन सी आसीबो राइट आंसर।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा कहिल पिले इलेक्ट्रोन वस्तुत्व एक प्रोटोन वस्तुत्वर केते गुण अटे 1837 गुण ना 1/1837 गुण ना 1387 गुण ना 1/1873 गुण। तो कोड़ा राइट आंसर इलेक्ट्रोन वस्तुत्व गोटे प्रोटोन वस्तुत्वर केते गुण अटे। शीघ्र शीघ्र कमेंट कर पिला माने कोड़ा राइट आंसर आसीबो। कोड़ा आसीबो पिला माने पिला माने देखो जो आमर गोटे प्रोटोन रही थाउछि ना ओके तो गोटे प्रोटोन रो वस्तु इक्वल टू 1837 इलेक्ट्रोन वस्तु सहित समान बुझिपार तो 1837 जब इलेक्ट्रोन आनवा तेज गोटे प्रोटोन वस्तु सहित से सामान आसो तो से हिसाब से गोटे इलेक्ट्रोन वस्तु क्या सहित सामान हे ना डेफिनेटली 1/1837 प्रोटोन नहीं कि तथा गोटे प्रोटोन रस्तु जी तार आम 1837 भाग करवा से गोटे भाग ने तो तार वस्तु जहाँ आसो गोटे इलेक्ट्रोन वस्तु ता आस तेणु पिला प्रश्नर सठिक आंसर हूँ ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा कहिलो पिले विकिरण विहीन कक्षर परिकल्पना क्यों वैज्ञानिक करते ओके तो विकिरण विहीन कक्षर परिकल्पना क्यों वैज्ञानिक करते टॉमसन ना रदरफोर्ड ना गोल्डस्टाइन ना नील्स बोर तेब पाने भितर क्यों वैज्ञानिक विकिरण विहीन कक्षर परिकल्पना कर पारे विकिरण विहीन कक्ष ओके पिला माने तो क्यों वैज्ञानिक करते टॉमसन करते ना रदरफोर्ड करते ना गोल्डस्टाइन करते ना नील्स बोर करते कोड़ा राइट आंसर आस पिला माने पिला माने यही प्रश्नर राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी नील्स बोर मन रख नील्स बोर। ओके पिला माने तो पिला माने आज क्लास एटिक थाउ नेक्स्ट क्लास रे हमें 26 नंबर प्रश्न आलोचना करवा पिले माने तुमको जदि वीडियोटा भल लगी निहत रूपे गोटे लाइक कर निज सांगसाथी भितर सेयर कर चैनल को जदि करना हो सब्सक्राइब तेज यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर फर्दर अपडेटेशन पाई पिला माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी आपण से ग्रुप रो लिंक रे क्लिक करूँ ग्रुप रे जॉइन हूँ आपन को फर्दर अपडेट मिल पार एवं से ही ग्रुप रे ही आपन को यही क्लास रो पीडीएफ अवेलेबल करा जीवो। ओके पिला माने धन्यवाद।